बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। कुछ भी बनाएं मगर कभी भी सब्ज़ियों को भूलें ना, ठीक है? सब्ज़ियाँ खाना बहुत ज़रूरी होती हैं। आजकल मार्केट में नए सीज़न के मोगरे आ चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू मोगरे की सब्ज़ी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले गैस पर रखी है कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे 3 छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज, क्योंकि हमारे पास 1 किलो मोगरे हैं और 1 किलो हमारे पास आलू हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो प्याज़ है इसको हमने जस्ट सौते करना है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, ठीक है? तो ये देखिए, जस्ट इतना सा जैसे ही गोल्डन कलर इस पर आए तो आपने इसके अंदर जो टमाटर हैं वो ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, तो इस तरह से रफली कटिंग करके आपने प्याज में डाल देने हैं। और इनको आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं गलाना, इनको आपने थोड़ा सा ऐसे ही खड़ा खड़ा सा रखना है, ठीक है? और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक हो गया, पाउडर मसाले कम्प्लीट हैं। यहाँ पे इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फ्लेम थोड़ा सा आपने नॉर्मल रखना है, स्लो नहीं रखना। तो 3 मिनट भुनाई के बाद इसमें अब हम डाल देंगे हमारे पास जो आलू हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो आलू हैं जिनको हमने काट के पानी में डाल के नमक डाल दिया था। और नमक डालने से ये होता है कि आलू या बैंगन या इस तरह की कोई भी सब्ज़ी वो ब्लैक कलर की नहीं होती, ठीक है? वैसे ही फ्रेश रहती है। तो आलू जो है उनको हमने 5 से 8 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरह से, क्योंकि आलू काफ़ी, आपको पता है, हार्ड होते हैं और आलू की एक स्मेल सी भी होती है जो कि भुनाई करें तो फिर ही ख़त्म होती है। अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें हम डालेंगे मोगरे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने फ्रेश हैं इन सब की। एक एक मोगरे को पकड़ के उसकी डंडियाँ तोड़ना, फिर उसको छोटे छोटे साइज़ में कटिंग करना, ये सारी चीज़ें अम्मी करती हैं सब्ज़ी मेरे लिए। वो बनाती हैं, मुझे काट के देती हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ। तो फिर अम्मी दुआ कर रही होती हैं कि अल्लाह करे सब ठीक रहे, सबको पसंद आए। तो इस तरह से ना, फिर आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फिर मैं उन्हें बताती हूँ तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो सारी सब्ज़ियाँ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, ठीक है? ये देखिए 1/2 कप आपने पानी डाल देना है। और अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने नहीं डाला, इसमें हम सिर्फ अदरक यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर जो लहसुन है वो अच्छा नहीं लगता, आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। तो ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे जो हमारे आलू मोगरे हैं वो गल चुके हैं, तैयार भी नहीं हुए। तैयार अब हम इनको करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अब हमने इसका जो फ्लेम है उसे हमने हाई करना है। और यहाँ पे हमने इनकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई। जो इस तरह की सब्ज़ी होती है उसे आपने एंड पे फ्लेम हाई करके अच्छी तरह से उसको आपने भूनना है, ठीक है? फिर उसका मज़ा निकलेगा। तो इस तरह से आप इसको हिलाते जाएं, चम्मच के साथ इसको घुमाते जाएं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे कटा हुआ अदरक। तो ये अदरक डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 4-5 कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो माशाल्लाह हरा धनिया भी बहुत फ्रेश है आज। तो इन सब चीज़ों को डाल के, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो ऐसी सब्ज़ी होती है ना, आलू मोगरे, आलू गोभी, आलू गाजर, तो इनके जब आप एंड पे कटा हुआ इस तरह से अदरक डालेंगे तो आप यकीन करिए आपका खाना बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इनको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर मैंने भूना है। अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो भी तकरीबन पक चुका है। और यहाँ पे जो हमारी आलू मोगरे की सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है।
और मैंने इसमें कोई ज़ीरा या काली मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी, वो इसमें अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ एंड पे इसमें 2 से 4 चुटकी गरम मसाला डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।